नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी, और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता है, कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, और इस पर रुपये मेहता की क्या राय रहेगी। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि आज कल शाम में जैसी मार्केट क्लोज होती आई थी, यानी कि नरमी वाली रुख की ओर, वैसे ही मार्केट आज ओपन होती नज़र आई है। इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोना इस वक्त $1953 पर ट्रेड कर रहा है, और जो सिल्वर है वो $25 के आसपास ट्रेड करती नज़र आ रही है। आधे फीसदी की करेक्शन सिल्वर में देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि डॉलर में पिछले दो दिनों से एक नरमी वाला रुख देखने को मिला है। बीच में जो कीमतें हैं डॉलर की, गोल्ड की, इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में वो $1980 तक गई थी, लेकिन उसके बाद से फिर लगातार दो दिन से देख रहे हैं कि जो प्राइसेस एंड गोल्ड के वो स्लिप ऑफ होते नज़र आए हैं। अब इसके पीछे के कारण क्या है वो बता देता हूँ। एक, डॉलर में तेज़ी आना, डॉलर इंडेक्स में तेज़ी आना, रुपया कमज़ोर हो जाना। दूसरा, फेडरल यूएस फेड की तरफ से ही मॉनेटरी पॉलिसीज टाइट किए जाने की आशंका के चलते गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर नरमी बनती नज़र आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर गोल्ड और सिल्वर में क्या स्ट्रेटेजी हो जिससे कि इस नरमी वाले रुख के दौर में भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सके, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में आज भी एक नरमी वाला रुख देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है इस नरमी वाले रुख के बीच वो कौन सी स्ट्रेटेजीज होंगी जिसमें ऐसी सिचुएशन में भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, काफी वोलेटाइल है मार्केट, और अभी सोने और चांदी के अंदर एक रेंज में हम ट्रेडिंग होते हुए देख रहे हैं। दरअसल अभी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वो काफी असमंजस की स्थिति है। सोना हम देखते हैं कि एक दिन मुड़कता है और उसके बाद थोड़ा सा रिबाउंड निचले स्तरों पर आता हुआ दिखाई देता है। फंडामेंटली नो डाउट मार्केट सपोर्टिव है, लेकिन वहीं नीचे में $1900 एक अहम सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में अब जो टारगेट है वो 2000 की अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तभी तेजी ज्यादा पकड़ता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए एक रेंज बाउंड है, और यहाँ पर निचले स्तरों पर अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेनी हो तो बाइंग में रहना चाहिए, और शॉर्ट टर्म इंट्राडे परस्पेक्टिव से देखा जाए तो अभी भी सेलिंग का दबाव आज बनता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे में 1940-14 तक नीचे मार्केट लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 52,400 से लेकर 52,800 की रेंज आज इंट्राडे में बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सर जी बात करें अगर क्रूड की तो देख रहे हैं कि एक तरफ चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, और लॉकडाउन लगने के बीच थोड़ी जो पाबंदी हैं उनमें छूट दी गई है जिससे कि कुछ ट्रेड हो सके, बिजनेसेस अपने रनिंग ऑर्डर में आ सकें। फिर देख रहे हैं कि अमेरिका में क्रूड की जो इन्वेंट्रीज हैं उनमें डाउनफॉल भी देखने को मिला है। तो इन्हीं फंडामेंटल्स के बीच देख रहे हैं कि कच्चा तेल ना ही ज़्यादा उठ रहा है ना ही ज़्यादा गिर रहा है, अभी स्थिर हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में कच्चे तेल में क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, कच्चा तेल का फंडामेंटल सपोर्टिव है, नो डाउट कच्चा तेल भी तेजी की तरफ है, लेकिन अभी जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं उसके चलते कच्चा तेल भी एक सीमित दायरे में फिलहाल कारोबार करता दिखाई दे रहा है। और अभी का जो सिनेरियो है उसके सिनेरियो के चलते पॉजिटिव रहेगा मार्केट, डिप पर बाइंग की ही रणनीति रखनी चाहिए। नीचे में अगर आपको 7800 के आसपास मिलता है, 7820 के आसपास अभी बाइंग बनाना चाहिए, और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि एक बार फिर से 8000 के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है नए वायदा। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए इंट्राडे में बाइंग करके चला जा सकता है। जी, ये सर जी बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स का बाजार भी देख रहे हैं आज नरमी की ओर ही है, ऐसे में आपको क्या लगता है क्या बेस मेटल्स में ये लेवल्स ठीक हैं खरीदारी में रहने के लिए? देखिए, बेस मेटल्स में थोड़ा सा और करेक्शन आए तो वहां पर बाइंग की रणनीति होनी चाहिए। अभी विपरीत स्तरों से बाजार लुढ़का है, कॉपर भी नीचे आ चुका है और 800 के आसपास सपोर्ट बनता दिख रहा है। अगर 800 ब्रेक कर देता तो 780 तक नीचे जा सकता है, तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए बाइंग के लिए, फ्रेश बाइंग को अवॉइड करें। थोड़ा सा करेक्शन आज बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिंक भी नीचे लुढ़क सकती है, तो अभी नीचे में जिंक का भी एक्सपेक्टेड है कि 360 तक का नीचे का लेवल आ सकता है, और ऊपर में 380 है। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बेस मेटल्स में भी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सेलिंग करके चला जा सकता है। जी, इस रूप जी बात करें अगर नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस में हमने नेचुरल गैस को ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखा था, $8 के ऊपर कीमतें ट्रेड कर रही थी। आज देख रहे हैं कि $6.8 पर नेचुरल गैस ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है ये जो नरमी बनी है नेचुरल गैस में क्या फिर से तेजी की ओर जाती हुई नजर आ पाएंगी कीमतें?
देखिए अभी करेक्शन है ऊपरी स्तरों पर और मुनाफा वसूली हावी होने के चलते और प्राइसेस काफी ओवरबोट हो चुके थे, इस वजह से हमें यहाँ पर करेक्शन आते हुए दिखाई दी है। और ये करेक्शन नीचे में एक बार 520 के आसपास सपोर्ट ले सकता है डोमेस्टिक मार्केट में, और ऊपर में एक सेक्टर है कि 580 से 600 मैक्सिमम तेजी की तरफ मार्केट जा सकता है। और अगर 520 का लेवल ब्रेक होता है तो वहां से आपको नीचे में 480 तक की भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए आज जो कि गिरा हुआ है, आज इंट्राडे में 520 से लेकर 500 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप नॉन एग्री कम्युनिटीज में? देख रहे हैं कि नॉन एग्री कम्युनिटीज का बाजार ऑलमोस्ट पूरा ही लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। देखिए मुझे लगता है कि अभी जिंक में बिकवाली करना चाहिए, यहाँ पर 280 का एक स्टॉप लॉस आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन वही नीचे में टारगेट 260 से 258 तक के देखने को मिल सकते हैं। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।